चलिए अब बात करेंगे एक पीड़ित के पति के बारे में जो कि अपनी किडनी बेचने के लिए निकला है और हाथ में बैनर लिए वो किडनी का खुलेआम बोल रहा है कि कोई मेरी किडनी ले लो। आपको बता दें कि शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें बंधने से युवक युवती एक खुशहाल जीवन जीने का प्रण लेते हैं। हालांकि ऐसा भी देखा जाता है कि दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन पति पत्नी मिलकर इन कठिनाइयों का सामना भी करते हैं। लेकिन जब एक पत्नी अपने भाई और माँ के साथ मिलकर पति को परेशान करे, ब्लैकमेल करे, तो स्थिति आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर होगी। जिसका जीता जागता उदाहरण संजीव है। संजीव हाथों में बैनर पोस्टर लिए अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी किडनी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पोस्टर संजीव ने हाथ में लिया हुआ है उस पर लिखा है, ब्लैकमेलर सास ससुर पत्नी और साले की वजह से किडनी बिकाऊ है। बकायदा इस पोस्टर में उन्होंने अपना नंबर भी दे रखा है। वही पोस्टर की दूसरी तरफ आप देखेंगे जिसमें लिखा है कि ब्लैकमेलर सास ससुर पत्नी और साले की वजह से किडनी बिकाऊ है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, पटना से आप पोस्टर बैनर लेकर दिल्ली चले आए, क्या वजह है? मैं किडनी बेचने के लिए आया हूँ। वजह क्या है, किस किस का फोटो? वजह ये है कि सास ससुर पत्नी साला सब लोग मुझे 6 साल से ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और तलाक के लिए दबाव डाल रहे हैं। मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा? किडनी बेच करके उसको दे दूंगा और फिर मैं आत्मदाह कर लूंगा। मेरे लिए कोई कानून भी नहीं है, मैं FIR दर्ज करवाने जाता हूँ, थाने में FIR दर्ज नहीं होता है। मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थाने के चक्कर काटते काटते पटना में। अच्छा, तो ये तलाक क्यों चाहती है? वजह क्या है? वो तलाक लेके पैसा लेके किसी और से शादी करेगी, कोई करोड़पति आदमी मिल गया होगा उसको। तलाक की तो वजह तो होगी, मैं बता तो रहा हूँ कि वो पैसे लेके कहीं और शादी करना चाहती है। कोई और वजह नहीं? और कोई वजह नहीं, और क्या? वैसे शादी हमारी हुई है जो अरेंज मैरिज हुई है ना, तो अरेंज मैरिज हुई है तो फिर रहना क्यों नहीं चाहते हो? अगर कोई दिक्कत हो तो घर में बोलना चाहिए ना, आप तलाक क्यों मांग रहे हो? कितने साल आपके साथ शादी करेंगे? लगभग छः महीने तक हमारा उसके साथ रिलेशन रहा। 4 महीने का एक बच्चा था, बच्चे का अबॉर्शन करवा लिया और उसके 2 महीने बाद मेरे ऊपर 498 का केस कर दिया और मैं अभी एंटीसेपेटरी बेल पे हूँ। 6 साल हो गया, थाने से कोर्ट से कहीं से कोई कुछ सुनवाई नहीं और दबाव। आप पे दहेज मांगने का केस दर्ज हुआ है? हाँ जी। और आपसे 10 लाख की डिमांड की जा रही है उल्टा? हाँ। कैसे देंगे 10 लाख? किडनी बेच के दूंगा, क्या करूँगा? मेरे पास कुछ है नहीं तो किडनी बेच के दूंगा। तो क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मैं पटना से आया हूँ। पटना में आपने नालंदा जिला लेके गए थे कहीं शहर में? हाँ, पटना में मैं 12 दिन मेरा प्रदर्शन हुआ है पिछले साल। अच्छा, एक साल पहले। और यहाँ? यहाँ अभी दिल्ली में, फिर दिल्ली में भी 5-6 दिन हुआ था, वो भी एक साल पहले हुआ था। घूम रहे आप? अभी तो दिल्ली में आया हूँ, 2-3 दिन पहले आया हूँ। अब दिल्ली में प्रदर्शन फिर से मैंने चालू कर दिया। तो कोई डिमांड आई है? डिमांड आई है, 8 लाख से ज्यादा कोई दे नहीं रहे, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 2.5 लाख दे रहा है, कोई 3 दे रहा है। अच्छा, 8 लाख से ऊपर कोई दे नहीं रहा है। चाहते हैं? मैं तो 10 लाख में बेचूंगा, बेच के उसको पैसे दूंगा, फिर आत्मदाह करूंगा। आप भी गए, पत्नी भी गई, फिर क्या मिला आपको? आत्मदाह कोई समाधान है किसी चीज़ का? क्या करें आप, मेरे लिए कोई कानून ही नहीं तो आत्मदाह ही करेंगे। जिसके लिए कानून है वही रहे, पैसा ले, आइस मौज करे। क्या चाहते हैं, क्या शिकायत होना चाहिए?